से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे यूज करते हो, तो दोस्तों उस वहाँ पे आप बहुत सारी स्टोरियों को लगाते होगे। जो आपकी स्टोरियाँ हैं वो पुरानी भी होगी और कुछ स्टोरियों को आपने हाइड भी किया, यानी हाईलाइट भी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ओल्ड स्टोरी को या फिर हाईलाइट स्टोरियों को आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल से डिलीट करने से वो स्टोरी डिलीट नहीं होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको डिलीट करके विद लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उन स्टोरियों को आप डिलीट कर सकते हो। तो कैसे किया जाता है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल यादव ट्रिक्स में। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर पड़ती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको चले जाना है अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, इस पे हमें इसे कर देना है ओपन। अब जैसे दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको अपना आईडी पे क्लिक कर देना है। आईडी पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी हाईलाइट स्टोरी कौन सी होती है। यहाँ से दोस्तों जब आप कोई भी स्टोरी को डालते हो तो यहाँ पे एक हाईलाइट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको हाईलाइट नहीं बनाना आता तो आपको यहाँ पर सिंपल से न्यू क्रिएट करने के बाद जो भी आपकी ओल्ड स्टोरी है यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद हाईलाइट जो भी लिखना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कोई भी स्टोरी को आप, अब जैसे मेरी एक वीडियो ऐसी, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँगा तो इस तरीके से इस वीडियो को मैं यहाँ से लिखा है रिमूव फ्रॉम हाईलाइट, तो ये डिलीट नहीं होगी बल्कि ये रिमूव हो जाएगी हाईलाइट से, ठीक है, लेकिन डिलीट नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि डिलीट किस तरीके से कर सकते हो अपनी ओल्ड हाईलाइट स्टोरियों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा ये थ्री लाइन का, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये न्यू हाईलाइट लिखा है, अगर आप यहाँ से इसे हटाना चाहोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑफ तमाम सारी स्टोरियाँ आ जाएंगी, इस पर क्लिक किसी पर भी आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपका न्यू हाईलाइट बन जाएगा और यहाँ से डिलीट का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो किस तरीके से डिलीट होगा वो सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पर थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस थ्री लाइन वाले सेक्शन पर चलना और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा अचीव का, तो इस अचीव वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी दोस्तों क्लिक करोगे आपकी ओल्ड स्टोरियाँ और न्यू स्टोरी सब तरीका की स्टोरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब आपको जो भी हाईलाइट आपकी स्टोरी आपको डिलीट करना है या दोस्तों आपको पता नहीं है, यहाँ से एक कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आप डेट बाई डेट आप सभी स्टोरियाँ आप यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों हमें कोई भी स्टोरी डिलीट करनी है, ठीक है, तो कैसे करें ना, चलिए वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी ये स्टोरी है, ठीक है, अब इसे हमें करना है डिलीट, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे की ओर से एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिलेगा कोने पर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है डिलीट, तो इस पर डिलीट कर देना है इस तरीके से। ऐसे दोस्तों हम ये डिलीट कर देंगे तो ये दोस्तों हमारी हाईलाइट से गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो भी स्टोरियों को डिलीट करना चाहो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। हाँ, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।